हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज है 14 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, वैसे तो पूरा ही उत्तराखंड जो है बहुत सुंदर है, हमारी देवभूमि। प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न हम लोग हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने गाँव के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो भी अपने आप में खास है। और जो जिस हिस्से में अभी मैं मौजूद हूँ, गाँव के एक छोर पर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, गानों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ की लोकेशन कैसी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी फिल्म और कौन से गानों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ की। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और शाम का भी समय है, तो उजाला थोड़ा कम है। जो स्क्रीन पर आपको इस वक्त वीडियो दिख रही है, ये सोमेश्वर क्षेत्र की है। ये मेरे गांव के सामने वाला गांव है, जिसमें अभी धान की फसल जो है लहलहा रही है। धान पकने को है, इसलिए पीले हो चुके हैं खेत। ये है मेन रोड जो कि रानीखेत को जाती है, रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ती है। अल्मोड़ा, सोमेश्वर, रानीखेत, बागेश्वर। और ये है दियारी का गांव। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अपने गांव की बात करूँ तो दोस्तों, मेरा गांव इस तरफ है। ये वाला एरिया जो है वो मेरे गांव का है, और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो भी मेरे गांव का ही क्षेत्र है। देखो, घरों में सबने धुआं लगा रखा है, क्योंकि जो शाम का समय होता है, गाय बच्चियों को बाहर बांधने का समय होता है और उनको परेशान करती है मक्खियाँ, तो मक्खियों को भगाने के लिए लोग धुआं लगाते हैं। तो ये है दोस्तों क्षेत्र। एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो में। बाकी मैं आपको अब बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दोस्तों, जब से तरह तरह के OTT प्लेटफॉर्म हमारे सामने आए हैं, अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जियो हो गया, और तुम्हारा मतलब हॉटस्टार हो गया, बहुत सारे जो भी हैं, तब से उत्तराखंड में कई तरह की जो वेब सीरीज़ हैं वो लगातार शूट हो रही हैं, फिल्में शूट हो रही हैं। गाने तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। अभी जो इंडिया के टॉप ब्लॉगर हैं, सौरव जोशी, वो हमारे क्षेत्र के ही हैं, सोमेश्वर के ही हैं। तो जो उनका गाना रिकॉर्ड हुआ था, वो भी इसी क्षेत्र में हुआ था, वो भी इसी जगह पे हुआ था। पीछे जो मेरे आप पीछे खेत देख रहे हैं, वहाँ पर उनका एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, हमारे गांव में एक मूवी रिकॉर्ड शूट हुई थी बहुत पहले, उसका नाम था संकल्प। उत्तराखंडी मूवी थी वो भी जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जो मैंने आपको व्यू दिखाया, उसी के इर्द गिर्द उसकी शूटिंग हुई थी। अभी एक दो साल पहले हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस सिंगर हैं, जितेंद्र तोमक्याल, उनका एक गाना आया था। कौन सा गाना था वो, तनखा मेरी कम छू हीरा, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। उसकी लोकेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। दोस्तों, एक बार दिखा देता हूँ पहले बैक कैमरे से। दोस्तों, जो आप ये खेत देख रहे हैं, नीचे पहाड़ जैसा, ये जो इसके ऊपर प्लेन वाला हिस्सा है, वहाँ पर जितेंद्र तोमक्याल का गाना रिकॉर्ड हुआ था, वहीं पर शूट हुआ था वो। उसका नाम था तनखा मेरी कम छहीरा। सर्दियों के समय वो हुआ था, तब उतनी यहाँ पर ग्रीनरी नहीं थी, तो वो गाना आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा खुद का एक गाना सोमेश्वर घाटी, हमारा एक फेसबुक पेज है और उसी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका गाना भी इसी जगह शूट हुआ था। मेरा खीमू बड़ा उस्ताद हूँ, वो भी कुमाऊनी गाना था। उसकी भी मैं आपको, बल्कि उसकी तो मैं एक वीडियो क्लिप यहाँ पर लगा दूंगा थोड़ी देर बाद, उसको आप देख लेना। और दोस्तों, आजकल भले ही थोड़ा यहाँ पे ग्रीनरी कम हुई है, इस वजह से आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा हमारे जो पीछे वाले हिस्से में, और जो जो मेरे पीछे दिख रहा है सीन, उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पर धान की खेती होती है, जब रुपाई होती है, उसके अगले महीने यानी कि आषाढ़ के जो बाद वाला महीना होता है, सावन का महीना, उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर, मतलब बहुत खूबसूरत ये पूरा एरिया हो जाता है। एक वीडियो उसकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो मैं आपको लगा के दे दूँगा। ये देखिए, ये वो वीडियो है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो इसमें कितना मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें। तो दोस्तों, इसी वीडियो से आपको पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर कितनी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की अद्भुत है दोस्तों। और जब यहाँ हम धान लगा लेते हैं ना, एक बार रोपाई हो जाती है, उसके बाद यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना भव्य हो जाता है कि
मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुल मिला के ये क्षेत्र ऐसा है जो थोड़ा अंडररेटेड है, जिसको थोड़ा कम पहचाना गया है, जिसके बारे में लोग उतना नहीं जानते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग हो, वेब सीरीज़ की शूटिंग हो, गानों की शूटिंग हो, जो अभी हम कुमाऊनी के स्तर पर और उत्तराखंड के स्तर पर कर रहे हैं, वो बॉलीवुड के स्तर पर जाए। जैसे सौरव जोशी हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था। बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लॉग देखकर लोगों को इसके जगह के बारे में पता चला है। तो हम चाहते हैं कि और भी लाखों लोगों को इस जगह के बारे में पता चले और यहाँ का जो पर्यटन है वो बढ़े, तभी यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं ये पे समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज और मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, तुरंत कर दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मुझे और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और बताएं ज़रूर कि हमारा जो ये हमारा जगह है, हमारा क्षेत्र है, वो आपको देखने में कैसा लगा। धन्यवाद।